एवरीवन, वेलकम टू रिया खुशी। और आज मैं अनदर एक रेसिपी कॉफ़ी केक का लेके आई हूँ। काफ़ी ट्रेंडिंग रेसिपी है, और अगर आप केक लवर हैं और आपको केक बहुत बहुत पसंद है, आप रोज़ उसे कंज्यूम करना चाहते हैं और उसके वो मार्केट स्टाइल थिक क्रीम से बोर हो गए हैं, तो इस केक को डेफिनेटली ट्राई करें। इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट को आगे आप वॉच करें, बने रहें, रेसिपी को स्किप बिना किए वॉच करें, बनाएं, देखें, इंजॉय करें, और इसके प्रेजेंटेशन को आप ज़रूर फॉलो करें। देखिए, मज़ा आ जाएगा। और ये देखिए कितना स्पंजी केक बनके तैयार। चलिए बना लेते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ नॉर्मल से हमारे किचन वाले इंग्रेडिएंट्स को मैंने यूज़ किया है, जो हमारे किचन में मोस्टली होता है, जैसे कि ये आटा। मैंने मैदे को आटा से रिप्लेस किया है, जिसकी हम रोटियाँ बनाते हैं वो। ये पीसी हुई शक्कर है, उसे यूज़ करना है। साथ में ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। कॉफ़ी केक है तो कॉफ़ी पाउडर है, थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में, 1 टेबलस्पून है। वेजिटेबल ऑयल है और रूम टेम्परेचर का दूध है। सभी इंग्रेडिएंट्स के मेज़रमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, वहाँ से फॉलो करें मेज़रमेंट को। बस इन्हीं नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम एक ट्रेंडिंग केक बना के तैयार करते हैं। चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी को थोड़े से दूध के साथ हम डिज़ोल्व कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके इसे हम तैयार कर लेंगे, एक स्लरी कॉफ़ी का और दूध के साथ। एक मिक्सिंग बाउल लेना है और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें हम इकट्ठा करेंगे, जैसे कि आटा और ये पीसी हुई शक्कर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सभी को मैंने छान लिया है। और पहले इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करे हुए हैं। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। तो सबसे पहले ये कॉफ़ी डिकॉक्शन को डाल रहे हैं, जिसे हमने दूध में घोल के रखा हुआ था। अब साथ में ये वेजिटेबल ऑयल, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। पहले अब अच्छे से मिक्स करना है, हल्के हाथों से मिक्स करते चले। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम रूम टेम्परेचर के दूध को इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसका एक हमें बैटर तैयार करना है, जो कि ना ही बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा। इसकी कंसिस्टेंसी हमें रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए किस तरह दिख रहा है, लम्प फ्री बैटर बन के तैयार है। इसी तरह का आपको भी बना लेना है। यहाँ एक बेकिंग डिश को मैंने ग्रीस कर लिया है, इसी में हम बेक करेंगे। तो इस रिबन कंसिस्टेंसी बैटर को इसमें हम पोर करते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रिबन जैसा गिर रहा है ना, बस इसी कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है आपको। इसे एक से दो बार टैप कर ले, जिससे कि एयर बबल्स निकल जाए। और यहाँ एक पैन में मैंने 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट किया है नमक के साथ, इसी में हम बेक करेंगे। तो अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें ये बैटर को प्लेस करेंगे, कवर करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 15 मिनट तक कुक करना है। बीच में बिल्कुल भी कवर को खोलना नहीं है। 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं। चेक कर लीजिए टूथपिक से, मेरा एकदम क्लियर आया है, बन के बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैं कूल कर लूँगी 10 मिनट के लिए, फिर इसे मैं डिश आउट करके प्रेजेंट करूँगी। तो ये कूल हो चुका है और ये देखिए इसका प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो ये क्या है बताइए, क्रीम नहीं है, ये है वनीला आइसक्रीम। यस, मैंने कहा था ना क्रीम को रिप्लेस करूँगी, तो इसे आप रिप्लेस कीजिए अपने फेवरेट आइसक्रीम से, फ्लेवर्ड आइसक्रीम। मुझे वनीला पसंद था और ये पॉपअप हो रहा था, तो इसलिए मैंने वनीला यूज़ किया। पसंद के फ्रूट्स डालिए, मैं यहाँ मैंगो पीसेस डाल रही हूँ, आप अपने पसंद के सारे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना पॉपअप हो चुका है, और इसे इंजॉय करने का टाइम बिल्कुल पास है। थोड़े से टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट से इसे फाइनली गार्निश कीजिए, इंजॉय कीजिए इस कॉफ़ी केक को, जो कि झटपट से बन जाएगा। और बिना एक के
बिना क्रीम के है, आपने नोटिस किया? नो एग, नो क्रीम, तो बिल्कुल हेल्दी वर्जन है केक का। बनाइए, ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक लाइक आपका बनता है। और चलिए चैनल को सब कर लेते हैं, बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस केक को बनाइए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा बना, आपको कैसा लगा इसका टेस्ट, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। और छोटे मोटे अपने सेलिब्रेशंस में इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। मैंने अपने बेस्टी सुनील सिंह 1997 के बर्थडे के ओकेजन पे इस केक को बनाया है, बहुत टेस्टी बना। आप भी बनाइए छोटे मोटे सेलिब्रेशन में, घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए। चैनल को सब कर लीजिए, मुझे अपना ट्रेंड बना लीजिए। जल्दी मिलूंगी अनदर ट्रेंडिंग रेसिपी के साथ, तब तक इस यमलिशियस कलरफुल केक को इंजॉय कीजिए। Till then, bye-bye, it's time to say bye-bye, thank you, love you all my friends, stay tuned.